नालंदा में भी हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। जुलूस के दौरान कई इलाकों में बवाल की खबरें सामने आई। दो समुदाय के लोगों के बीच मारपीट हुई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी और गोलीबारी भी हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, जबकि पत्थरबाजी की घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, गाड़ियों और दुकानों को फूंक डाला। उपद्रव की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। नालंदा के कई इलाकों में जुलूस के दौरान इस तरह के बवाल देखने को मिले हैं। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई है। 3 लोगों को गोली लगी और पत्थरबाजी की घटना में 7 लोगों के घायल होने की अब तक जानकारी सामने आई है। पीठ में भी गिरा है? नहीं, पीठ में नहीं। कहाँ गोली लगा था? यहाँ लगा है और यहाँ से टकराते हुए ये आधा इधर लगा था। ए बाबू, थोड़ा दम को सहयोग करो तो। कहाँ पर ये हुआ था घटना? ए चौधरी, घटना हुआ था, इसको थोड़ा सा करो ना, जगह के नाम नहीं बंद देंगे। गोली चलाया था, हम बैठे हुए थे, कौन सा छत पर से एक लगता गोली चलाया, फिर हम देखे तो मेरे को लगा पत्थर लगा हुआ था, फिर देखे तो खून बहने लगा, गोली लगा। देखिए, हम लोग के पास यहाँ अभी टोटल 14 मरीज आया था। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, अचानक से वहाँ से कॉल आया, लगातार 14 लोग आए, जिसमें से ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 गनशॉट बुन हमको दिखा है एक्सरे में, जिसको मैंने रेफर किया है, और 2 सीरियस हेड ट्रॉमा था जिसको मैंने रेफर किया। बाकी सब जो भी है, मतलब ट्रॉमेटिक पेशेंट सब है, वो अंदर मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैनेज हो। तो बिहार के 2 जिलों में एक तरफ रामनवमी के जुलूस पर पथराव और तनावपूर्ण स्थिति, 2 गुटों में हिंसक भिड़ंत, आगजनी, गोलीबारी तक की स्थिति बनी। 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, कई गाड़ियों को फूंक डाला गया और तनावपूर्ण स्थिति के बाद इलाके में धारा 144 लगाना पड़ा प्रशासन को। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियों और तमाम शांति समिति की बैठकों के औचित्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक अमला जो रामनवमी के अवसर पर अलर्ट मोड में रहता है, उसके अलर्ट रहने के बावजूद इस तरह का उपद्रव हुआ।